रेनबो फैमिली, वेलकम बैक टू माय रेनबो वर्ल्ड। आज की जो मेरी वीडियो है वो है समर मेकअप प्रोडक्ट के बारे में। आज मैं आपको ऐसे प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो मैट फिनिश देते हैं और वो ज़्यादा स्टिकी या चिपचिपा फील नहीं करवाते हैं। स्पेशली समर में ऑयली स्किन वालों को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट उनको हो जो मैट फिनिश दे। तो अगर कोई परचेस करना भी चाह रहा है कोई ऐसा मैट टच वाला फाउंडेशन या कंसीलर या प्राइमर कुछ भी, तो आज ये वीडियो उसी बारे में है गाइस। तो मैं इसमें आपको पूरा समर मेकअप प्रोडक्ट आपसे शेयर करूंगी कि कौन से प्रोडक्ट है जो आपको मैट फिनिश देते हैं और आपकी स्किन पे ज़्यादा ऑयल एक्सेस नहीं होता है। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे टोनर की। टोनर आप यूज़ करिए, अगर आप ऑयली स्किन वाले हों तो आप टोनर यूज़ करिए बायोटिक का, बायो कुकुम्बर वाला। उसमें एक दूसरा भी आता है गाइस, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा फील करता है। मैंने ऑलरेडी उसे अप्लाई किया हुआ है, सबसे बेस्ट बायो कुकुम्बर वाला है। मैं आपको बता दूँ ये वाला बायो कुकुम्बर। गाइस मैं बात करूँगी मॉइस्चराइज़र की। मॉइस्चराइज़र अगर आप ऑयली स्किन वाले हो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप स्किप करिए। अगर आप स्किप नहीं कर रहे हो तो आप पॉन्स का जेल बेस मॉइस्चराइज़र लगाइए या फिर कोई और ब्रांड का जेल बेस लगाइए जो आपको ज़्यादा स्टिकी या ऑयली फेस नहीं करेगा आपका, तो आप वो लगाइए। अदरवाइज़ आप स्किप करिए मॉइस्चराइज़र। मैं ये बार बार कह रही हूँ, अपने दो तीन वीडियो में मैं कह चुकी हूँ कि आप समर में ऑयली स्किन वाले मॉइस्चराइज़र स्किप करिए। ओके, एंड हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगी गाइस सनस्क्रीन की। सनस्क्रीन समर है तो सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप डे में बाहर निकल रहे हो तो आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़्यादा मस्ट है गाइस। तो सनस्क्रीन जो मैट फिनिश देता है वो है VLCC का एंड लैक्मी का। दो आता है सनस्क्रीन, एक आता है लोशन, एक आता है जेल। तो आप यूज़ करिएगा जेल वाला एंड इवन पॉन्स वाला भी यूज़ करिएगा। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूँगी प्राइमर की। प्राइमर गाइस ऑयली स्किन वालों के लिए स्पेशली ये वीडियो है, क्योंकि समर में ऑयली स्किन वालों को ही वरी ज़्यादा होती है। तो मैं जो भी प्रोडक्ट बता रही हूँ मोस्ट ऑफ ऑयली स्किन वालों को बता रही हूँ। ड्राई स्किन वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको फिर मॉइस्चराइज़र लगाना होगा गाइस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बात कर रही थी प्राइमर की गाइस। तो प्राइमर हमें यूज़ करना चाहिए इनसाइड का। इनसाइड का प्राइमर बेस्ट प्राइमर है गाइस और बहुत रिजनेबल रेट में है। उसमें लिखा होता है 220 और आपको ऑनलाइन अगर आप परचेस करते हो तो 170-200 में आपको मिल जाता है आसानी से। और ये आपके जो प्राइमर होता है उसमें ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र होता है। मॉइस्चराइज़र लगाने के लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है और वो कोई ऑयली टच नहीं देता है, वो ऑयल फ्री टच देता है। उसके ऊपर ऑलरेडी पैकेज में लिखा होता है ऑयल फ्री टच देता है वो। एंड दूसरा मैं यूज़ कर रही हूँ गाइस NYB का, वो भी बहुत अच्छा है। कोई ऑयली अभी भी मैंने NYB का ही लगाया हुआ है और मुझे मेकअप करके ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है, लेकिन बिल्कुल भी ऑयल एक्सेस नहीं हुआ है गाइस। तो आप प्राइमर यूज़ कर सकते हो NYB का भी। अब फाउंडेशन की बात करेंगे गाइस। फाउंडेशन मेन पार्ट होता है, क्योंकि फाउंडेशन बहुत सारे फाउंडेशन ऐसे होते हैं जो आफ्टर 1 आवर आपके फेस से बहुत ज़्यादा ऑयल निकलने लगता है। तो मैं आपको मैट फिनिश वाला फाउंडेशन बताऊंगी। सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता जो है वो है मेबलिन का गाइस। मेबलिन का जो नॉर्मल फाउंडेशन आता है वो भी मैट है, एक सुपर मैट आता है वो। दोनों फाउंडेशन मेबलिन के जो भी दोनों फाउंडेशन है दोनों मैट टच देते हैं गाइस। तो वो आप अप्लाई कर सकते हो समर में। एंड दूसरा है लॉरियल का इन्फलेबल का गाइस, वो भी मैट फिनिश देता है। एंड वेट एंड वाइल्ड का भी आप यूज़ कर सकते हो गाइस। वेट एंड वाइल्ड का भी आपको जो टच देगा वो मैट फिनिश ही देगा। अब हम कंसीलर की बात करेंगे। कंसीलर का गाइस इनसाइड का आप यूज़ करिएगा, 110 रुपीज़ का आता है, बहुत रिजनेबल रेट है और वो ड्राई टच देता है, वो कोई चिपचिपा टच नहीं देता है। इवन मेबलिन का आप यूज़ कर सकते हो। मेबलिन का थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, अगर आप लो बजट में जाना चाहते हो तो आप इनसाइड के लिए जा सकते हो। मेबलिन का अराउंड कुछ 630-650 में आता है, वो दोनों आपको ड्राई टच देते हैं। एंड करेक्टर की मैं बात करूँगी। करेक्टर गाइस आप अगर लगा रहे हों तो आप एक करेक्टर पैलेट यूज़ करिए जो लोकल ब्रांड का होता है, या फिर आप
इनसाइड का भी यूज़ कर सकते हो गाइज। इनसाइड का अगर आप कलर करेक्टर यूज़ कर रहे हो तो आप ये वाला यूज़ करिएगा गाइज। इसमें सारे कलर करेक्टर है जो आपकी स्किन के लिए बहुत परफेक्ट है और ये कोई ज़्यादा स्टिकी नहीं होता है, मतलब ये क्रीमी बेस है लेकिन ये टच आप आफ्टर जब पूरा मेकअप डन हो जाएगा तो ये ऑयल नहीं एक्सेस करेगा, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। एंड अब मैं बात करूँगी लूज पाउडर की गाइज। पाउडर आप यूज़ करिए गाइज वाइट टोन का, वाइट टोन का लूज पाउडर बहुत अच्छा है। एंड दूसरा आप यूज़ कर सकते हो लैक्मे का, लैक्मे भी बहुत अच्छा टच देता है गाइज। एंड अब हम बात करेंगे सेटिंग स्प्रे के। सेटिंग स्प्रे गाइज आप यूज़ करिए मेकअप फिक्सर जो आप यूज़ कर सकते हो वो है इनसाइड का, इनसाइड का ड्राई टच देता है गाइज। एंड दूसरा है स्विस ब्यूटी का, ये भी आपको ड्राई टच देता है अगर आप लो बजट में जाना चाहते हो। अगर आप हाई बजट में जाना चाहते हो तो वेट एंड वाइल्ड का भी है गाइज। वेट एंड वाइल्ड में दो आते हैं, एक ब्लैक एंड वाइट बॉटल आती है, तो आप वाइट बॉटल यूज़ करिए। ब्लैक बॉटल मैंने यूज़ किया है, वो ऑयली फिनिश हो जाता है, ऑयली टच देने लगता है, तो आप वो सेटिंग स्प्रे मत यूज़ करिए। वो थोड़ा कॉस्टली है, 500 अराउंड कुछ 600 में है। इससे बेटर तो आप स्विस ब्यूटी का अगर यूज़ करते हो या इनसाइड का, तो वो रिजनेबल रेट में है और वो वर्क वैसे ही करेगा जैसे वेट एंड वाइल्ड करता है या दूसरे कोई ब्रांड करते हैं। तो मैं आपको लो बजट में इसलिए बता रही हूँ गाइस कि काफ़ी लोग अच्छा ब्रांड भी चाहते हैं और लो बजट भी चाहते हैं। काफ़ी लोग नहीं, स्पेशली लड़कियाँ चाहती है हमेशा कि उनको लो बजट में अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस। एंड काजल की मैं बात करूँगी गाइस। काजल आप मेबलिन का यूज़ कर सकते हो, मेबलिन का बहुत अच्छा है काजल। और दूसरा आप एन वाई बे का कर सकते हो एंड ब्लू हेवन का भी कर सकते हो। आपको लॉन्ग लास्टिंग अपना काजल चाहिए तो आप ये एक टिप समझिए गाइस कि अपना जो आई शेडो पलेट होता है सेम कलर, अगर आप ब्लू कलर लगा रहे हो, ब्लैक कलर लगा रहे हो या ब्राउन कलर लगा रहे हो, आई शेडो पलेट जो होता है जो पिगमेंटेड है वो यहाँ पे प्लेस कर दीजिए आप, तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। एंड मूव ऑन टू हम बात करते हैं आईलाइनर की। आईलाइनर मैक का बहुत अच्छा है गाइस, वाटर प्रूफ है। लैक्मे का बिल्कुल मत यूज़ करिए, लैक्मे का बहुत ही बकवास है, क्योंकि लैक्मे आप जब भी, सबको ऐसा लगता होगा वो मैट फिनिश देता है, डेफिनेटली वो मैट फिनिश देता है लेकिन वो वाटर प्रूफ नहीं होता है, जब भी ज़रा सा भी पानी लग जाएगा वो फैल जाता है, तो लैक्मे आप अवॉइड करिएगा। अगर मैक का यूज़ कर सकते हो गाइस, मैक का बहुत अच्छा है। एंड प्लस अभी मैंने मैक का ही लगाया हुआ है गाइस। एंड दूसरा अगर आप मैक का नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप मेबलिन का यूज़ कर सकते हो, मेबलिन का भी आईलाइनर बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड अभी हम बात करेंगे मस्करा की, तो मस्करा गाइस शुगर का बहुत अच्छा है। एंड दूसरा है मैक का मस्करा बहुत ज़्यादा अच्छा है, इवन ब्लू हेवन का मस्करा भी बहुत अच्छा है और रिजनेबल रेट में है गाइस, तो आप ब्लू हेवन का भी ट्राई कर सकते हो। ये तीन मस्करा है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इवन सबसे बेस्ट अगर मस्करा कोई है तो मेबलिन का है गाइस। मेबलिन का थोड़ा कॉस्टली है, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज उसको स्किप करके आप ब्लू हेवन या फिर आप शुगर का ले सकते हो। शुगर का भी कॉस्टली है गाइस लेकिन बहुत अच्छा है। और अब हम बात करेंगे लिपस्टिक की। लिपस्टिक आप मैट की ही यूज़ करिए जब ही भी आप समर में मेकअप करते हो, तो लिपस्टिक का ऐसा है शुगर की जो लिपस्टिक है वो मैट टच देती है गाइस। इवन आप अगर एन वाई बे की भी ले रहे हो तो रिजनेबल रेट में है, 150 के अंदर की लिपस्टिक आती है, वो भी मैट टच देती है। कोई भी मैट लिपस्टिक, लोकल ब्रांड से भी आप अगर मैट की लिपस्टिक ले रहे हो तो ले सकते हो, लेकिन मैट में की लीजिएगा गाइस। अगर आप लोकल से ले रहे हो तो लोकल से मैट में की लीजिएगा, हुदा ब्यूटी बिल्कुल मत लीजिएगा। आपको वो 100 रुपीज़ में या 80 रुपीज़ में हुदा ब्यूटी बोल के बहुत गंदा सा ब्रांड चिपकाते हैं, क्योंकि मैंने उसका दो लिपस्टिक लिया हुआ है, बहुत ही बकवास है, लोकल से ही लिया था। जब भी आप लगाओ ना ऐसे करो तो वो पूरा निकल जाता है। ऐसे ही मैट लिपस्टिक होना चाहिए जो आप लगा रहे हो, तो ऐसे यहाँ पे ऐसे करो तो नहीं निकले, तो उसके लिए आप मैटमी का यूज़ करिए लोकल ब्रांड से अगर आप ले रहे हो। और अगर आप कोई ब्रांडेड ले रहे हो तो नो प्रॉब्लम्स, मैट देख के लीजिए, क्रीमी बेस बिल्कुल मत यूज़ करिएगा। एंड आईब्रो फिलर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप ADS का कर सकते हो, जो जेल लाइनर भी आता है साथ में एंड प्लस उसके ऊपर ऐसे कुछ है एंड जेल लाइनर भी आता है गाइस, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप आईब्रो फिलर के लिए ये नहीं, आप पेन टाइप यूज़ करना चाहते हो तो आप ब्लू हेवन का यूज़ कर सकते हो, या फिर बहुत सारे ब्रांड है गाइस आईब्रो फिलर में। आईब्रो फिलर, आई शेडो एंड ब्लश,
एंड हाइलाइटर, ये जो चार चीज़ें हैं गाइस, ये चार चीज़ें जो है इसमें कोई मैट वाला कोई चक्कर नहीं होता है कि जो ऑयल एक्सेस ऑयल हमारा निकाले या कोई मैट फिनिश वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, सिर्फ आप लोकल ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ आपको यही ख्याल रखना है कि वो पिगमेंटेड हो। पिगमेंटेड टेस्ट मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ पिगमेंटेड कैसे आपको पता चलेगा गाइस। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये हाइलाइटर मैंने स्विस ब्यूटी का लिया हुआ है, पिगमेंटेड टेस्ट करना है तो ये मैंने लिया और ये मैंने यहाँ पे प्लेस किया। अभी आपको गाइस दिखेगा नहीं, देखिए लाइट कलर ही है। जैसे ये एक बार में अगर लग गया तो इट मीन्स वो पिगमेंटेड है। अगर उसको आपको वापस से लेकर लगाना पड़ रहा है घस कर, इट मीन्स वो पिगमेंटेड नहीं है। तो जब भी आप आई शेडो या अपना हाइलाइटर ब्लश ऐसा कुछ ले रहे हो तो डेफिनेटली वो देखिएगा वो पिगमेंटेड है कि नहीं, बस दैट्स इट। उसमें कोई मैट वाला टच का ऐसा कोई बात नहीं होता है गाइस। आप सिर्फ आपको यही एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये चार चीज़ बाय कर रहे हो तब। तो गाइस ये मेरी जो वीडियो थी वो थी समर मेकअप प्रोडक्ट के बारे में। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए गाइस। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आती रहेगी गाइस, जो आपको हेल्पफुल हो। और अगर आपको कोई किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड या कुछ स्किन केयर से टिप्स चाहिए या फिर कुछ भी आपको रिक्वायर्ड हो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।